हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल कॉल्ड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एमपी लेड स्कीम और रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड फंड बिटवीन ईच अदर बाई विच दे कैन रन आर कंट्री और एनी स्टेट इन अ ग्रेट वे। So, without wasting any more time, let's get started. जैसा कि आप सब जानते हैं, कैबिनेट ने रिड्यूस किया है 30% ऑफ सैलरी अमाउंट ऑफ पीएम एंड एमपीज। जो 30% कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, मतलब सरकारी खजाने में जाएगा एक साल तक के लिए, और एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत साल में आने वाला अमाउंट जो है वो 2 साल तक के लिए कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। ये ऐसा कृत्य सरकार द्वारा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि सरकार को हेल्प मिल सके फाइनेंशियली टू फाइट विद कोविड-19। आइए जानते हैं पीएम और एमपीज की सैलरी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी और पीएम इज द अथॉरिटी ऑफ आर कंट्री, तो इनके सैलरी भी अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट अच्छे होते हैं। इनके सैलरी इनके पोस्ट के अकॉर्डिंग बेटर होते हैं। जैसे कि पीएम की सैलरी है मंथली 2 लाख रुपीज़, जिसमें कि 60,000 बैठता है 30% ऑफ इस सैलरी, एंड एमपीज़ की सैलरी है 1 लाख रुपये पर मंथ, जिसमें कि 30,000 रुपये बैठता है 30% ऑफ एमपीज़ सैलरी। तो एमपी की सैलरी का 30,000 रुपये और पीएम की सैलरी का 60,000 रुपये कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा एक साल तक के लिए, और एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत साल में आने वाला जितनी भी धनराशि है वो सारी राशि कंसोलिडेटेड फंड के अंतर्गत जाएगी। अब जानते हैं एमपी लेड स्कीम के बारे में, एग्जैक्टली एमपी लेड स्कीम होती क्या है। एमपी लेड स्कीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, जिसके अंतर्गत ये स्कीम डेवलपमेंट के लिए कृत्य करती है किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कोई पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टेरिटरी में जो कि रिकमेंडेड हो। ये स्कीम पहली बारी 23 दिसंबर 1993 में एग्जीक्यूट हुई, जिसके अंतर्गत पीएम को रिकमेंड किया जाता है कोई भी डेवलपमेंटल एरिया जिसमें कि वो नेशनल प्रायोरिटी पर फोकस करता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, रोड कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। एमपी लेड स्कीम फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये स्कीम एनुअली 5 करोड़ रुपए रिसीव करती है, जिसके अंतर्गत वो डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर पाते हैं अमाउंट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा मेंबर कैन बी रिकमेंडेड वर्क विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा मेंबर उसकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत, जिसका कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अंतर्गत डेवलपमेंट कर सकता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा रिकमेंडेड वर्क विद इन द स्टेट। जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो व्यक्ति जहाँ से इलेक्टेड होगा, जहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उधर तरफ डेवलपमेंट कर सकता है। वो पर्टिकुलर एरिया उसका रिकमेंडेड वर्क एरिया होगा। जो व्यक्ति नॉमिनेटेड है बाय बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, वो व्यक्ति किसी भी एरिया में ऑफ कंट्री कहीं पर भी डेवलपमेंट कर सकता है। ये हमने जाना एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत किस किस प्रकार से डेवलपमेंट की जाती है, क्या क्या डेवलपमेंट पर फोकस रहता है, क्या क्या एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत प्रायोरिटी होती है उस मेंबर की जो कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार को फंड की ज़रूरत होती है फॉर द बेटर सर्वाइवल ऑफ आर कंट्री, फॉर द बेटर रन अप ऑफ आर कंट्री।
ऐसे ही भारत सरकार 3 प्रकार के फंड डिवाइड करती है, जिससे कि वो स्टेट और सेंटर में डिवाइड कर सके, या फिर जिससे कि वो अमाउंट डिवाइड कर सके फॉर द बेटर सर्वाइवल ऑफ आर कंट्री। जानते हैं वो डिफरेंट 3 टाइप ऑफ फंड्स। इसके अंदर पहला फंड आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड, फिर आ जाता है कंटीजेंसी फंड, फिर आ जाता है पब्लिक अकाउंट फंड। देर आर 3 टाइप ऑफ फंड। फर्स्ट वन इज कंसोलिडेटेड, सेकेंड वन इज कंटीजेंसी, थर्ड वन इज पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंड, जो कि ऐसे फंड्स ऐसा अमाउंट रिसीव करता है जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, लोन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट हो, या फिर रिटर्निंग लोन्स हो, इंटरेस्ट लोन हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर एजेंसी या पर्सन को दिया हुआ कोई भी लोन हो जिसमें कि वो अमाउंट रिसीव कर रही है इन रिटर्न। ऐसे जितने भी अमाउंट होगा वो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आएगा। इस फंड के अंतर्गत गवर्नमेंट को कोई भी इस पे एक्सपेंडिचर करने के लिए ये फंड से अमाउंट विड्रॉ करना पड़ता है। इस फंड के अंतर्गत पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए विड्रॉ करने के लिए कोई भी अमाउंट, कोई भी फंड। ये फंड की बात आर्टिकल 266 क्लॉज 1 करता है। आर्टिकल 266 क्लॉज 1 कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बताता है। कंसोलिडेटेड फंड सेपरेटली शुरू कर सकती है स्टेट, जिसे कि हम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, जिसके अंतर्गत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट करता है, रिपोर्ट करता है रेलेवेंट लेजिस्लेचर को फॉर दे ऑन देयर मैनेजमेंट। तो ये हमने जाना कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फंड माना जाता है। फिर हम जानते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फंड कॉल्ड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड आर्टिकल 267 क्लॉज 1 के अंदर बताया गया, जिसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड करती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे फंड को इसलिए रखा जाता है जिससे कि डील हो सके कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। जो कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से डील करने के लिए ये फंड को कैरी किया जाता है। इस फंड के अंतर्गत पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए ऐसा कोई भी अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। इट इज इन द नेचर ऑफ एन मनी मेंटेन्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसका कुछ ऐसा नेचर होता है जैसे कि मनी मेंटेन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मनी मेंटेन किया जाता है इस फंड के अंतर्गत। ये फंड स्टेट भी सेपरेटली कैरी कर सकती है, जैसे कि जिसे हम स्टेट कंटीजेंसी फंड भी बोलते हैं। स्टेट को अलाउड रहता है इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर वो सेपरेटली कंटीजेंसी फंड कैरी करना चाहे तो वो अपना सेपरेट कंटीजेंसी फंड कैरी कर सकती है। तो ये हमने जाना कंटीजेंसी फंड के बारे में, जो कि आर्टिकल 267 क्लॉज 1 में बताया। अब हम जानते हैं थर्ड टाइप ऑफ फंड कॉल्ड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया फंड, जो कि आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में बताया, जिसके अंतर्गत कोई ऐसा फंड जो कि अदर देन कंसोलिडेटेड फंड हो वो सारे फंड पब्लिक अकाउंट फंड में आएंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएंगे। इस फंड के अंतर्गत बैंक सेविंग अकाउंट्स, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स, डिफेंस फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स, नेशनल क्लाइमेटी एंड कंटीजेंसी फंड, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ऐसे फंड्स इसके अंदर आते हैं जो कि बैंक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड हो, या फिर नेशनल स्मॉल सेविंग्स हो, डिफेंस फंड हो, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड हो, नेशनल क्लाइमेटी या कंटीजेंसी फंड हो, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड कोई फंड हो, या फिर कोई भी प्रोविडेंट फंड हो, पोस्टल इंश्योरेंस फंड हो, ऐसे फंड्स इस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया फंड के अंदर आते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया फंड के अंतर्गत कोई भी परमिशन नहीं चाहिए होती सरकार को विड्रॉ करने के लिए अमाउंट, और
ऐसा पब्लिक अकाउंट फंड सेपरेटली कोई स्टेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कैरी कर सकती है विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि स्टेट पब्लिक अकाउंट कहलाया जाएगा। इस अकाउंट में कोई भी पार्लियामेंट्री अथॉरिटी की नीड नहीं होती है। ये अकाउंट सेपरेटली भी स्टेट द्वारा कैरी किया जा सकता है। तो हमने जाना थ्री टाइप ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज कंसोलिडेटेड, जो कि आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में बताया। सेकंड वन इज कंटिंजेंसी फंड, जो कि आर्टिकल 267 क्लॉज 1 में बताया। थर्ड वन इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में बताया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने जाना थ्री टाइप ऑफ फंड के बारे में। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने जाना एमपी लेड स्कीम के बारे में, सैलरीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स के बारे में। फर्स्ट वन इज़ कंसोलिडेटेड फंड, सेकंड वन इज़ कंटिजेंसी फंड, थर्ड वन इज़ पब्लिक अकाउंट फंड। मैं आशा करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल मैं फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाहर जाने से बचें, फैमिली मेंबर्स को बाहर जाने से रोकें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। होप यू पीपल लाइक डेट। होप यू पीपल ज्वाइन मी अगैन। थैंक यू।